वेरी गुड वेरी गुड। डर दिया अब उठो यार। तो गाइस मैं कटिंग कराने जा रहा हूँ, बाय। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग दोस्तों, आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो ऐसी होने वाली है कि कैसी होने वाली है आप सब देख ही लेना। और मम्मी पापा लोग छोड़ के जा रहे हैं हमें घर पे और कह रहे हैं कि देखते हैं आप लोग कैसे रहते हो घर में, पूरा घर कैसे संभालते हो। हम सिर्फ तीन लोग हैं, प्रिया जिया और मैं, पूरा घर हमारे ऊपर छोड़ के जा रहे हैं। आपको दिखाता हूँ धूमधड़ा कैसे तैयारी कर रही है। पूरा घर इन्होंने छान रखा है, मतलब क्या बताऊँ। देखो आप सफाई कर फटाफट, ये देखो। मम्मी ये खिलारा क्यों मचा रखा है इतना आपने? ये देखो, ये गाइस कितने झोले पैक करें, 1 2 3, ये तो मेरा ही है, 3 4 5 6 7 8, नीचे पे पड़ा है। अरे यार वो 9, ये पे पड़ा है 10। तो गाइस क्या बताऊं मैं, मतलब पांच साल बाद जा रहे हैं ये लोग। हमें कह रहे हैं कि अपना घर संभालना और पूरी जिम्मेदारी हमारे पर छोड़ के जा रहे हैं। अब देखते हैं हम कैसे संभालते हैं इतना बड़ा घर, इतने मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी कभी नहीं आई है हमारे ऊपर, लेकिन लेनी भी चाहिए जिम्मेदारी, अब हम बड़े हो चुके हैं ऐसा कह रहे हैं ये लोग। बाकी मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ भी। एक बात और, प्रिया ने मेरे को कैसे उठाया सुबह सुबह आप देखना, ये इसके बाद मैं वीडियो प्ले करने वाला हूँ, वो वीडियो देखना कैसे उठाया उसने और उसने मेरे साथ क्या किया। और अगर वो शेर तो मैं सवा शेर, तो मैंने उसके साथ क्या किया ये भी देखना, बहुत मजा आएगा आपको। अब ये देखो हमारी क्लिप। मैं इनको इतनी बार उठा चुकी हूँ ना, कम से कम 5 बार उठा चुकी हूँ, अभी भी ये उठ रहे नहीं है। सब गाँव जाने वाले हैं, सबकी तैयारी हो गई है, ये अभी तक उठे भी नहीं है। अगर अब भी नहीं उठे ना तो पता है ये उठेंगे क्योंकि अब मैं वीडियो बना रही हूँ और होने वाला है देखना। लड़की वीडियो देख रही तो शादी करने के बाद ये जरूर ट्राई करना। हाँ।
उठो यार। तो गाइस मैं पति कराने जा रहा हूँ, बाय। जिनको उठाने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ये है वो, ये देखो ये अच्छा, ये अच्छा। उनकी गंदी गंदी सी बच्ची अपने पापा का साथ देती है, मम्मा का साथ नहीं देती है। डायपर बैग क्या बोला, उल्टा लेके आ रही है। पापा का बच्ची हूँ, मम्मा को पकड़ो, पापा कर रही है। ये हो गया भारी नुकसान, जिप फट गई, पोपट हो गया। मैडम आपको कैसा लग रहा है, आपको अकेला छोड़ के जा रहे हैं सब लोग घर पे, कैसा लग रहा है? अगर आप भी वो करते ना, छुट्टी ले लेते तो हम भी जाते साथ में, इतना मजा आता। मजा तो आता लेकिन मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही, क्या करें? बात तो ये है ना, आपकी वजह से हम जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे? सारी फैमिली तो नहीं होगी ना, मार्च में नेपाल वाली, महेंद्रगढ़ वाली, सब सब लोग जा रहे हैं फैमिली। जिनमाना है इसको किसी ने मारना नहीं, तो मैं इतना मरूंगा आके, किसी को नहीं मरूंगा। ठीक है, राजू रो रहे हैं, उरे 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 रो रहे हैं। बेटा क्या कर रहे हो बाबू, क्या कर रहे हो? पापा पुदीना दे दो करके। क्या करूं? पुदीना करके आ दो। पुदीना तो चाहिए, अपने आप ले लो ना। सब लोग तैयार हो गए हैं हमें छोड़ के, जिया प्रिया और मुझे छोड़ के। पापा घस रहे हैं क्रीम, घोरे घोरे रहे, स्मार्ट लग रहे पापा। अच्छा आप जा रहे हो, बता दो हमारे सब्सक्राइबर्स को कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो, क्या हो, लास्ट टाइम बात तो कर लो, फिर पता नहीं एक दो महीने बाद आओगे। हमारा जो है गुरुपूर्व के दिन जो है हमारा मिलोली मैया का जो है मेला लगता है, बहुत भारी मेला लगता है, और यहाँ गुरुपूर्व बोलते हैं हमारे वहाँ मेला बदल, उस मेले के लिए आज 4-5 साल बाद आज दो बच्चों को लेके जा रहा हूँ मैं, और उसकी कृपा है और कि हमारी मनोकामना पूरी करता है वो। सोचा था इसको भी ले जाऊँ, लेकिन अब यहाँ भी घर छोड़ना। जा कहाँ रही, तो बता तू जा कहाँ रही है? किसके साथ? किसके साथ? दादू के साथ। और दादू के साथ पापा का, देखो मेरे को मैं हाँ मेरे को वो मेरे से नहीं, अब रोना नहीं है। मम्मी पापा का ध्यान रखना तुम, ठीक है? क्यों? तो इतना सारा सामान लेकर जा रहे हैं लोग, एक्टिव हटाऊं? चाबी जाने, चाबी एक्टिव की एक्टर साइड कर दी, मैं करता हूं दे यार, थोड़ा थोड़ा जा आगे ले आओ। हां
बहुत है इतना। प्रिया रोना नहीं रोना नहीं रोना रोना होने वाला है बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि फैमिली में ऐसे सब लोग नहीं। ये देखो अब स्टार्ट हो ही गया है। मैं रो रही हूँ मुझे पकड़ो। तो अब ऐसा है कि जिया बहुत जिद कर रही थी कि मैंने भी जाना है, तो उस बस स्टैंड तक वो भी गई है, मैं एक्टिवा लेके जाऊंगा और ये इसको भी लेके जाना है। एक्टिवा में थोड़ा सामान भी था, ये ले जाके उसके बाद जिया को वापस लेकर आऊंगा। पता नहीं कैसे आएगी, आएगी नहीं आएगी देखते हैं, बाकी हम चलते हैं। तू भी रो रही है, व्हाई आर यू क्राइंग? रो रही है, नहीं लेके आऊंगा, नहीं लेके आऊंगा। हेलमेट सेफ्टी जरूरी है। चल बैठ यार, जल्दी जाना नहीं है मेरे को, गांव जाना चाहो बस अड्डे छोड़ पहले। मिलते हैं, बाय। घर पे ध्यान रखना सबका अच्छे से। तो बस स्टैंड पहुंच गए हैं, अब जा रहे हैं लोग, इन लोग करते हैं अलविदा, बाय 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 बाय। ये है बस उत्तराखंड परिवहन। बस का वॉक अराउंड देख लो, हैं? हाँ आपको बस स्टैंड भी दिखा देता हूँ, देखो लुधियाना का बस स्टैंड। जिया की पूंछ, जिया इधर रहना बेटा। सो गाइस, मैं मम्मी पापा को बस स्टैंड पे छोड़ के आ गया था 4 बजे की उनकी गाड़ी थी, 4 बजे उन्हें गाड़ी में बिठा के मैं घर पे आ गया था 5 बजे, और फिर मैं जॉब पे चले गया उसके बाद। और हाँ, जो जिन लोगों को नहीं पता है कि मैं जॉब करता हूँ, तो मैं बता दूँ गाइज, मैं जॉब करता हूँ, तो मैं जॉब पे चल गया था उसके बाद मैं अभी आया हूँ। तो बस अब से मेरे को रोज़ शाम को जल्दी आना पड़ेगा घर पे, क्योंकि घर पे कोई है नहीं, तो घर पे भी ध्यान देना है। मम्मी पापा लोग हमारे भरोसे छोड़ के चले गए हैं घर, देखो कैसे निभाते हैं अपनी जिम्मेदारी, हमारे ऊपर छोड़ गए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और हमारे चैनल को देखना, हमने काफ़ी वीडियोस बनाई है, सब वीडियोस को देखना। आई होप आप सबको अच्छे लगे वो वीडियोस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड नाइट।